वहीं मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों की अनियमितता की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। वहीं अधिवक्ता दिलीप शर्मा ने उस पर सवाल भी उठाए हैं। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता दिलीप शर्मा ने नर्सिंग कॉलेजों की पुनः सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि 170 कॉलेजों को उपयुक्त ठहराते हुए सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी, साथ ही क्लीन चिट मिले कॉलेजों में खामियां होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट में उपयुक्त बताए गए कॉलेजों में मैरिज गार्डन संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं, कई नर्सिंग कॉलेजों में स्टाफ भी नहीं है। उनका कहना है कि 364 कॉलेजों की जांच प्रस्तावित होना था, लेकिन 40 से 45 कॉलेज ऐसे थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन था, जिनकी जांच नहीं हो सकी है। वहीं लगभग 125 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्हें गंभीर कमियों के चलते बंद कर दिया गया था। जी, बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा मान्य न्यायालय के आदेश अनुसार जो है सीबीआई द्वारा किया गया है। सीबीआई एक बड़ी और एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके ऐसा कृत्य जो है बहुत ही निंदनीय है और उस जो एक अच्छे कोज के लिए जो है नियुक्त किया गया था। और मेरी पिटीशन में बहुत अच्छे मुद्दे थे जिसमें धरातल पर कॉलेज नहीं है, संचालित नहीं हो रहे हैं, फैकल्टी डुप्लीकेसी है, उन सब पर जो है विचार विमर्श करते हुए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत माननीय न्यायालय के समक्ष करनी थी। तो 170 कॉलेजों को जो है क्लीन चिट दे करके कहा ये सही तरीके से नियमों के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं, तो उन 170 में ये देखने वाली बात है कि उनमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जो धरातल पर है ही नहीं। जैसे दो चार कॉलेजों के नाम जो है मैं मौखिक तौर पर बता सकता हूँ, अभी ग्रंथम कॉलेज हो गया है ना, कैला देवी इंस्टीट्यूट करके हो गया, ऐसे दो तीन कॉलेज ऐसे हैं जो हवा में चल रहे हैं और माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार सीबीआई द्वारा उसको जो है क्लीन चिट दी गई है।